आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। सोहन 5 साल का ही था। इतनी कम उम्र में ही शैतान से पाला पड़ने का मतलब आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज की कहानी रोहन की है। एक दिन रोहन अपने मोम डैड के साथ मार्केट में घूम रहा था। अचानक रोहन की नजर एक टॉय शॉप पर पड़ी। रोहन जिद करने लगा कि मुझे तो वो बड़ा वाला टेडी ही चाहिए। रोहन के पास घर पर पहले से ही खिलौने और टेडीज पड़े थे, तो उसके मॉम डैड ने उसे कुछ नहीं दिलाया। आगे पैदल चलते चलते रोहन की नजर एक टेडी पर गई, जो कि बगल में एक चौराहे से बस 2 कदम की दूरी पर पड़ा था। रोहन मॉम डैड के पीछे से होता हुआ भागता हुआ गया और उस टेडी को उठा के ले आया। मॉम डैड से छुपा के रोहन ने उस टेडी को अपने घर ले आया, मगर रोहन इस बात से बेखबर था कि ये टेडी कोई मामूली टेडी नहीं, एक इविल टेडी था जो रोहन और उसके परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। रात हो गई, रोहन के डैड को एक आवाज सुनाई दी। रोहन के रूम की तरफ बढ़ने लगे। रोहन के रूम का दरवाजा खोल के देखा तो सामने रोहन उस डैडी से बातें कर रहा था। ये देख रोहन के डैड को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, रोहन ये कोई वक्त है तुम्हारा खिलौना खेलने का? इसे रखो साइड में और सो जाओ चुपचाप। रोहन कहता है, डैड ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसने मुझसे बोला कि ये मुझे इस दुनिया से दूर ले जाएगा। बुरी है ये दुनिया, ये मुझे अपनी दुनिया में लेके जाएगा। रोहन के डैड कहते हैं, इसे साइड में रखो और सो जाओ अब, समझे? इतना कह के रोहन के डैड वापस अपने रूम में आ गए। रोहन को बच्चा समझ रोहन की कई बातों को उन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन रोहन की बातों का साफ साफ एक ही मतलब था, उस घर की बर्बादी और रोहन की मौत। रोहन अब रोजाना उस टेडी को अपने साथ ही रखने लगा। खाना पीना सोना नहाना पढ़ना स्कूल, हर जगह रोहन उस टेडी को अपने साथ ही रखता। दिन बीतते गए, आज रोहन का बर्थडे था। शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी थी जिसमें रोहन के कुछ दोस्त और आस पड़ोस के कुछ लोग आए हुए थे। रोहन के केक काटते के साथ ही सब ने रोहन को बर्थडे विश किया। सबके बाद एक और बर्थडे विश की आवाज आई। रोहन ने कहा, ये तो मेरा दोस्त है। सब लोगों ने उस विश को नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो गई। रात को रोहन के रूम की लाइट जलती देख रोहन की मॉम रोहन के पास जाती है। रोहन वही रोज की तरह आज फिर टैडी से बातें कर रहा था। रोहन मोम को देख के कहता है, मोम मेरे दोस्त को भूख लगी है। मोम हंसते हुए कहती है, अच्छा क्या खाएगा ये? रोहन कहता है, मोम ये मुझे मांस खाने को कहता है, ये रोज मुझे मीट खाने को बोलता है, प्लीज ला दो ना इसके लिए। रोहन की अजीब बात सुन के उसकी मॉम को गुस्सा आया और उन्होंने टेडी को लेकर दूर फेंक दिया और रोहन को एक थप्पड़ मार दिया। रोहन कैसी बातें कर रहे हो तुम, सो जाओ अब चुपचाप, समझे? ये कहकर मॉम तो चली गई, मगर रोहन अपनी मॉम की तरफ एक
खूनी बदले की नजर से देखता रहा। रात को रोहन के मोमडेड दोनों सो रहे थे। रोहन की मोम को एक आवाज सुनाई दी। मोम की नींद टूट गई। मोम रूम से बाहर जाकर देखती है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। सामने रोहन का रूम था और वहां से एक और आवाज आई। हे मॉम, रोहन की मॉम, आजा, इधर आजा। मॉम रोहन के रूम का दरवाजा खोल के अंदर जाती है और अंदर जाते के साथ साथ ही रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रूम से सिर्फ एक आवाज आती है। ये चिल्लाने की आवाजें सुन के रोहन के डैड की नींद टूट जाती है और वो उठ के तेजी से रोहन के रूम की तरफ दौड़ते हैं। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं मगर तमाम कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुलने पर आखिर उन्होंने उस दरवाजे को तोड़ ही दिया और अंदर जाके देखा तो सामने का नजारा देख के उनकी दुनिया हिल गई। सोहन की मॉम का सर धड़ से अलग पड़ा था और खून डैडी के मुंह पर लगा था। उन्होंने तुरंत रोहन की तरफ देखा तो रोहन वहीं बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। उन्होंने रोहन को संभाला तो रोहन का शरीर बुखार से तप रहा था। रोहन के डैड की जिंदगी पल भर में ही बिखर गई। एक तरफ उनकी बीवी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ रोहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अपनी बीवी की मौत के सदमे से रोहन के डैड अभी तक बाहर आए भी नहीं थे कि अब दिन ब दिन रोहन की बिगड़ती तबीयत उनकी चिंता और बढ़ाने लगी। उन्होंने आखिर रोहन को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। रात को रोहन के डैड को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठ के हॉस्पिटल के बाहर गार्डन में जाकर बैठ गए। डॉक्टर अपने केबिन में बैठा था और डॉक्टर को एक आवाज सुनाई दी। डॉक्टर केबिन के बाहर जाके देखता है मगर डॉक्टर को वहां कोई दिखाई नहीं देता। डॉक्टर जैसे ही अपने केबिन में वापस आने लगता है वो आवाज एक बार फिर आती है। डॉक्टर, डॉक्टर, इधर, रोहन के रूम की तरफ। डॉक्टर रोहन के रूम की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे रोहन के रूम की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर जाता है देखा तो रोहन बेड पर ही लेटा था और साथ ही साथ रूम का दरवाजा बंद हो गया और अंदर से बस हे की आवाज आई। रोहन के डैड ये आवाजें सुन के भागते हुए रूम की तरफ आते हैं तो कुछ लोगों की भीड़ रोहन के रूम के दरवाजे के पास देखकर घबरा जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो वहीं डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी। सर धड़ से अलग था और दीवार पर खून से लिखा था, जो भी मेरे और रोहन के बीच आएगा मारा जाएगा। रोहन के डैड तुरंत रोहन को वहां से उठा के अपने घर ले आते हैं और रोहन की मौत नजदीक आते देख सो पड़ते हैं। हे भगवान, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए प्रभु, मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं, पर रोहन के सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है।
प्लीज प्रभु मेरे बेटे को बचा लीजिए। अचानक रोहन के डैड को रोते रोते हॉस्पिटल में दीवार पर लिखी बात याद आती है कि मेरे और रोहन के बीच मेरे। इस शब्द को याद कर वो उठे और तुरंत उन्होंने रोहन के रूम की तलाशी लेनी शुरू की। उन्हें वो टेडी वहीं पड़ा हुआ दिखाई देता है। रोहन के डैड को याद आता है कि ऐसा टेडी तो उन्होंने रोहन को कभी दिलाया ही नहीं, और रोहन आधी आधी रात तक इस टेडी से बातें भी किया करता था। हो ना हो, इसी टेडी की वजह से मेरे घर में संकट के बादल छाए हैं। रोहन के डैड तुरंत स्टोर रूम से जाकर केरोसिन लाए और उस टेडी पर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जैसे ही टेडी को आग लगाई, साथ ही साथ उसमें से आवाजें निकलने लगी। और रोहन को होश आ गया। कुछ दिन बीत गए, रोहन अब बिल्कुल ठीक था, मगर उस घर में कुछ बुरी यादों ने भी अपना पसेरा बसा लिया था, जिसके कारण रोहन के डैड उस घर को बेचकर रोहन को अपने साथ कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कोई टेडी पड़ा हुआ दिखाई दे तो उसे उठा के मत लाइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।